कोरोना से पहले फिल्म में हमारी शूट हुई थी डोली, जो हमारी करियर की बहुत अच्छी फिल्म होगी। मैं सलूट करता हूँ रितेश जी का, अक्षरा जी का, उन्होंने प्रोड्यूस किया था कि मेरे को उस फिल्म का हिस्सा बनाया, और सैल्यूट करता हूँ ऐसे डायरेक्टर मंजुल जी का, और मैं उनके सामने खरा उतरा। बहुत ही प्यारी फिल्म है, हमारी करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर हीरो नंबर वन के बाद अगर कोई फिल्म मैंने किया हूँ तो डोली। बहुत ही मार्मिक, 100 साल पीछे जा कर के देखिए, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है उन्होंने। दूसरी आपकी बाप जी एक फिल्म है, वो भी एक नया कंसेप्ट पे है, मनोज टाइगर जी हैं, खेसारी जी हैं, वो फिल्म मेरी रेडी बन के तैयार है। पहला पहला प्यार एज ए हीरो मैंने फिल्म किया है, अयोध्या की धरती पर शूट किया था, वो भी रिलीज़ के लिए तैयार है। गंवार दूल्हा एज ए हीरो मेरी फिल्म है, उसमें नेहा श्री जी भी हैं। तो 4 फिल्में आई थिंक हमारी बन के रेडी है, जो अब सिनेमा हॉल अब शुरू हो गए हैं खुलना, तो ये लगता है कि 2020 या 2021 के सेंटर में ये 4 फिल्में रिलीज हो जाएगी। फिल्मी सफ़र तो 2013 से मैंने शुरू किया था, और तमाम इंटरव्यू में लोग देख चुके हैं, एक ही बात रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। बट ये मैं जानता हूँ कि मात्र 5 से 6 साल के अंदर, 2013 से 2020 के अंदर, लगभग मेरी 40-41 फिल्में हो गई। छोटे से बड़े हीरो, निगेटिव, जैसा किरदार मिला मैंने करते गया, और अपने आप को एक प्रूफ किया कि एक आर्टिस्ट हूँ, मैं निगेटिव भी कर सकता हूँ, पॉजिटिव भी कर सकता हूँ। और करके 5 साल के अंदर इतनी सारी फिल्में करने का उद्देश्य था मेरी मेहनत, मेरी लगन और मेरी कर्मठता। मेहनत सब लोग करते हैं, कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होना चाहिए, कुछ लक भी होना चाहिए। तो हो सकता है कि दर्शकों का प्यार तो मिलता ही है, साथ में ऊपर वाले का लक भी मिलता और मेरी मेहनत और लगन भी है। मैं बचपन से ही गाता था, बट इस फील्ड में नहीं आने की वजह से और पढ़ाई पीरियड के बाद से, मैंने जब पीजी कर लिया और इंजीनियरिंग कर लिया तो मुझे जॉब मिल गया। मैं मारुति में 10 साल जनरल मैनेजर की नौकरी भी किया, तो पैसे आने लगे तो फिर इस फील्ड से थोड़ा नाता टूट गया, और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है इस फील्ड में आने के लिए। धीरे धीरे करके मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैं इस लाइन में आ गया। आने के बाद मैंने देखा कि सब लोग गाना गाते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन हुआ कि कुछ ऐसे लोग का गाना मैं सुनता हूँ, एल्बम सुनता हूँ, जो कि उन्हें गाना नहीं चाहिए। फिर मुझे ये फील होता है यार, उनसे अच्छा तो मैं गाता हूँ, तो मैं व्हाई नॉट। तो मैंने कई जगह गाना गाया, हमारे खेसारी जी बहुत अच्छे दोस्त कह लीजिए, भाई कह लीजिए, बहुत मानते हैं, उनके साथ मैंने 7-8 फिल्में किया है। खेसारी जी ने गाना सुने, बोले कि आपको पगले गाना गाना चाहिए, कल्लू जी भी बोले, पवन जी भी बोले। हमने कहा सर कोशिश चाहता हूँ करना, लेकिन एक समय भी नहीं मिलता, कारण कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम मैं देखता हूँ, सबको पता है, और एक्टिंग भी करता हूँ और बहुत सारी फिल्में कर लिया, तो समय के अभाव में। बट मैं ये दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि ज़रूर मेरी आवाज़ में 2020 जाते जाते आप लोग एक एल्बम में गाने के मौका मिलेगा बिल्कुल, और उसके बाद अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला तो आगे गाने मैं गाऊँगा। दूसरी बात, अपने होम प्रोडक्शन से मैंने फिल्में बेताब, हीरो नंबर वन तो किया ही था, फिर आप लोग के आशीर्वाद से मेरी गाड़ी चल पड़ी थी, फिर मौका नहीं मिला। तो अभी कोरोना काल में एक एल्बम मैंने किया था, लवली जाने मन, जो इतना अभूतपूर्व प्यार मिला। और हाँ, ये सच्चाई है कि फिल्म में मैंने जो ड्रेसअप, फिल्म में मैंने जो लोकेशन यूज़ किया, एल्बम में बहुत कम मिलता है इस तरह के लोकेशन। आप लोग देखें, देखिएगा लवली जाने मन, आप लोग कहेंगे कि रियली ये एल्बम फिल्मों से ऊपर मैंने बनाया था। तो मैं आज तक जो भी काम किया, हीरो नंबर वन ने मुझे हीरो बना दिया, ये आप लोग का प्यार ही था और मेरी लगन और मेरी मेहनत और खेसारी जी का भी आशीर्वाद था कि ये फिल्म इतनी अच्छी मैंने बनाया। तो प्रोड्यूसर का भी जो स्टाम्प लगा मेरे ऊपर, ये आप लोग का प्यार था, मेरी लगन, मेरी मेहनत थी, और एल्बम ही मैंने बनाया, तो एक अलग काम किया हूँ। और आगे भविष्य में मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिल्में भी बनाऊँ, कारण कि मेरा एक प्रोडक्शन हाउस से जो भी चीज़ें जाती है एक पॉजिटिव वे में जाती है, बलग्रिटी नहीं जाती है। भोजपुरी को देखते हुए मेरा गाना आप जब देखेंगे, कोई बलग्रिटी नहीं है, मैंने सीन भी बलग्रिटी नहीं शूट किया है, और एक अच्छे उसके संवाद इतने अच्छे हैं कि कर्णप्रिय, कानों को आपको और दिल को सुकून मिलेगा। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रियली आप लोग दिल से देते हैं, तो सीधे मेरे को लगता है तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये आशीर्वाद और प्यार आप लोग ऐसे ही बरसाते रहिए, और मैं जैसा डे वन में था आज हूँ और रहूँगा, ये वादा करता हूँ।